एलएनपी रिन्यूएबल्स सब लोग का स्वागत कर रहे हैं और आज हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 20 के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप पार्ट 1 टू 19 को मिस किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। हमारे चैनल में हम लोग शिप ऑटोमेशन बेसिक्स पार्ट 1 टू 22 हिंदी बोल के एक प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसके अंदर जाके मिस्टर पार्ट को आप डिटेल में देख सकते हैं। सो पार्ट 20 में हम लोग प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स का ब्रीफली हम लोग डिस्कस करने वाला है, मतलब उसका इनपुट एंड आउटपुट सेक्शंस क्या क्या है, ओके पीएलसी का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या क्या है, एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट इसका एग्जांपल्स क्या क्या है, नॉर्मली डिस्क्रीट इनपुट सिग्नल्स का एंड आउटपुट डिवाइसेस को हम लोग कैसे पावर कर सकते हैं। नॉर्मली अगर मान लो एक पीएलसी को लोकल में आप इंस्टॉल कर रहे हैं, दूसरा तो कुछ रिमोट लोकेशंस में इंस्टॉल करवा रहा है, सो उसी टाइम आपको पावर कनेक्शंस किधर देने का, सीपीयू किधर आएगा किधर नहीं आएगा उसके बारे में एक आइडिया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिजिटल इनपुट सिग्नल्स का ओके एंड आउटपुट डिवाइसेस का एग्जाम्पल्स के बारे में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेसिकली लैडर डायग्राम आप बना रहे हैं तो लैडर लॉजिक में कैसे हमको एड्रेसिंग देना पड़ेगा, ठीक है, हम लोग कैसे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस को हम लोग कनेक्ट करवा रहे हैं, कैसे नॉर्मली फील्ड इक्विपमेंट्स को पीएलसी मॉड्यूल में कनेक्ट करवा रहे हैं, कैसे पीएलसी काम करेगा, हमको कैसे पीएलसी को बेसिकली वायरिंग करना पड़ेगा, कैसे हम लोग एक रिडंडेंसी नेटवर्क पीएलसी में बनाएगा, नॉर्मली बजर्स पुश बटन्स अलार्म बटन सेंसर्स ट्रांसमीटर शिप में देखने कैसी दिखाएगा बोल के हम लोग बताएगा। सो हमारे डिस्कशन में बहुत सारा जगह में हम लोग इलेक्ट्रिकल सिंबल्स इलेक्ट्रिकल वायरिंग डायग्राम्स यूज़ करेगा, उसमें बहुत सारा छोटी मोटी सिंबल्स इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सर्किट ब्रेकर्स के लिए जनरेटर्स ट्रांसफार्मर्स कनेक्शंस फ्यूज एंड सर्किट ब्रेकर्स प्रोटेक्शन मॉनिटरिंग लिए स्विचेस एंड रिले कॉन्टैक्टर्स के लिए हम लोग यूज़ करेगा। अगर उसी को देखने के टाइम कुछ आपको डाउट आ रहा है आपको क्लैरिटी चाहिए तो भी आप ये वीडियो को देख के समझ सकते हैं, ठीक है। ये एक सीमेंस का लोगो बेसिक पीएलसी है, वो देखने के लिए कैसी दिखाएगा बोल के एक पिक्चर हम लोग दिखा चुका हूँ, एंड अपार्ट फ्रॉम इट हम लोग अगर आप एनालॉग मॉड्यूल चाहिए और डिजिटल मॉड्यूल चाहते हैं वो देखने के लिए कैसे दिखेगा, वो ऐसे एक्सटेंशन मॉड्यूल कैसे आप ऐड कर सकते हो वो देखने के लिए कैसे दिखेगा बोल के हम लोग एक पिक्चर इसमें दिखा चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग हमारा नॉर्मल पीएलसीज है ना, एक फिक्स टाइप या मॉड्यूलर रैक टाइप है, वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के एक पिक्चर्स हम लोग इसमें दिखा चुका हूँ, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप आपका पीएलसी एक लोकल लोकेशन में इंस्टॉल किया, अभी क्या है आपका कुछ फील्ड इक्विपमेंट्स कुछ दूसरा जगह में है, उसमें सिर्फ चार पांच आईवो पॉइंट्स ही है, वही पॉइंट्स आप यही पीएलसी का मेमोरी यूज़ करके भी हैंडल कर सकते संभाल कर सकते भी, सो आप क्या कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर न्यू सीपीयूस विथ न्यू पीएलसीज आप बेटर क्या कर सकते हैं, एक पावर सप्लाई एंड इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स रिमोट लोकेशन में रखने का, उसी में पूरा वायरिंग फील्ड इक्विपमेंट्स का करने का, बाद में नेटवर्क केबल से आप ये लोकल पीएलसी एंड रिमोट पीएलसी को कनेक्ट करने का, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप इसका सेक्शन के बारे में देखेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा पीएलसी में ओके सीपीयू एंड उसके साथ मेमोरी है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी भी है रीड ओनली मेमोरी भी उसके अंदर है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये इक्विपमेंट चलने के लिए पावर सप्लाई तो चाहिए ना, इसके लिए पावर सप्लाई मॉड्यूल है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमको एक्सटेंशन कार्ड्स तो चाहिए, वो भी कैटेगरीज है डिस्क्रीट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस दैट इज डिजिटल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस भी वो कैटेगरीज में आएगा, ठीक है। अगर मान लो ये सबसे फीचर्स के बारे में आप देखेगा तो नॉर्मली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में अंदर प्रोग्राम मेमोरी एंड डाटा मेमोरी है, उसका अंदर जाके हमको प्रोग्राम करने के लिए हम लोग नॉर्मल पीसी और लैपटॉप्स को यूज़ करेगा, उसके साथ इंटरफेस करने के लिए पीएलसी लैडर डायग्राम और फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम पीएलसी लॉजिक्स बनने के लिए सॉफ्टवेयर हमारे पास है, वो सॉफ्टवेयर का अंदर घुस के हमारा ये हार्डवेयर है ना सी उसका प्रोग्राम मेमोरी डाटा मेमोरी एक्सेस करके उसी में हम लोग प्रोग्राम करेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो इक्विपमेंट्स चलने के लिए इनपुट मॉड्यूल्स चलने के लिए आउटपुट मॉड्यूल्स चलने के लिए पावर सप्लाई हम लोग दिएगा, इनपुट मॉड्यूल्स के अंदर दिएगा तो बहुत सारा सेंसिंग इक्विपमेंट्स इनपुट्स में हम लोग दिएगा, पुश बटन सेंसर्स ओके सेलेक्टर स्विचेस ये सब कुछ इनपुट्स में आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे आउटपुट में आप देखेंगे तो रिलेस मोटर्स लाइट्स बसेस हम लोग यूज़ करेगा। अगर आप एप्लीकेशन के बारे में देखेगा तो एक्स्पेशली एनालॉग एप्लीकेशन के बारे में देखेगा तो हम लोग लेवल ट्रांसमीटर का इनपुट है ना हम लोग क्या करेगा हमारे पीएलसी का एनालॉग इनपुट मॉड्यूल का अंदर लिएगा, वो प्रोसेस करके हम लोग को ऐसा एनालॉग आउटपुट दिखाएगा, हम लोग वो लेवल ट्रांसमीटर का करंट वैल्यू और वोल्टेज वैल्यू को कन्वर्ट करके ऐसा लेवल इंडिकेशन हम लोग दिखा सकते हैं, वो भी स्केलिंग करके भी हम लोग दिखा सकते हैं। अगर मान लो एक वैल्व है
ठीक है, एंड लेवल सेंसर भी है। वो लेवल सेंसर हमारा क्या करेगा, अनलॉग इनपुट मॉड्यूल में हम लोग कनेक्ट करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसका आउटपुट आप देखेगा तो वो क्या हो जाएगा, लगभग 4 to 20 mA और 0 to 10 volt DC हो सकता है। अगर नहीं आप एक वैल्यू को कंट्रोल कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हैं, उसको हमारा एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल से कमांड देके वो वैल्यू को ओपन एंड क्लोज कर सकते हैं। हमारा कमांडिंग वैल्यू इधर 4 to 20 mA करंट हो सकता है और नहीं तो 0 to 10 volt DC हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कोई भी वैल्व एक्चुएटर, डैम्पर एक्चुएटर, कोई भी चीज़ आप कंट्रोल कर रहे हैं उसको फीडबैक भी आप लेने का, क्योंकि आपको पता चलने का आपका कमांड के हिसाब से उनका वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे आपको पता चलेंगे, इसके लिए आपको फीडबैक भी लेना पड़ेगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर एक पावर सप्लाई, एक CPU है, हमारा एक्सटेंशन मॉड्यूल लगा रहा है तो उसको पावर जाना पड़ेगा ना, पावर के लिए अलग अलग वायरिंग करने के थोड़ा दिक्कत है ना। इसके लिए अगर बैक प्लेन अवेलेबल है तो उसमें भी बैक प्लेन से पावर हम लोग मॉड्यूल्स को हम लोग दे सकते हैं। वो देखने के लिए कैसी दिखे है बोल के एक पिक्चर हम लोग दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम लोग ये रिमोट एंड लोकल एप्लीकेशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। मान लो कुछ मोटर है उसका स्टार्ट स्टॉप करवा रहा है, वो लोकल में अवेलेबल है, इसके लिए हम लोग क्या करवा रहा है, पावर प्रोसेसर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस यूज करके उसको कनेक्शन एस्टेब्लिश करके उसको कंट्रोल करवा रहा है। अभी क्या हो रहा है, आपको कुछ कॉपर ओके उसका ऑन ऑफ करने का, उसका सेंसर भी कुछ रिमोट लोकेशन में है। आप सोच रहे हैं इसके लिए अलग PLC बनने का और अलग पैनल डालने का, फिर बाद में आप सोच रहे हैं नहीं, क्योंकि ये CPU से ओके आप वो एक्सटेंशन मॉड्यूल को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नया CPUs आप क्या कर सकते हैं, ओनली विद द हेल्प ऑफ पावर सप्लाई इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल से आप ये होपर के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करके वो इक्विपमेंट्स को उसमें कनेक्ट करने का। सबसे लास्ट में हमारा लोकल IO मॉड्यूल्स CPU एंड रिमोट IO मॉड्यूल्स है ना, वो दोनों के साथ कम्युनिकेशन केबल से आप कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस का कैटेगरीज के बारे में आप देखेगा तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा डिजिटल इनपुट्स में ओके हमारा पुश बटन्स, सेलेक्टर स्विचेस, लिमिट स्विचेस, प्रॉक्सिमिटी स्विचेस आएगा। डिस्क्रीट आउटपुट और डिजिटल आउटपुट्स के बारे में देखेगा तो इंडिकेटिंग लैम्प्स, सिग्नलिंग कॉलम्स, रिलेस, मोटर स्टार्टर्स आएगा। एंड हम लोग हर एक इनपुट एंड आउटपुट के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स रखा, डिजिटल इनपुट मॉड्यूल्स है, एनालॉग इनपुट में भी RTD के लिए एक है ओके, TZ के लिए एक है, 4 to 20 mA के लिए एक है, एंड ऑल्सो डिजिटल आउटपुट के लिए एक मॉड्यूल है, एंड एनालॉग आउटपुट मॉड्यूल में भी 0 to 10 volt DC के लिए एक मॉड्यूल है, एंड 0 to 20 mA आउटपुट के लिए भी एक अलग मॉड्यूल है। अगर मान लो हम लोग PLC आउटपुट में ऐसे तीन टाइप कैटेगरी से, एक तो रिले मॉड्यूल है के रिले आउटपुट मॉड्यूल है, दूसरा है तो ट्रायक के, मोस्ट इंपॉर्टेंटली AC स्विचिंग ऑपरेशन के लिए ट्रायक मॉड्यूल हम लोग यूज करेंगे, तीसरा है तो ट्रांसिस्टर है, वो फास्ट स्विचिंग किधर हमको परफॉर्म करने का उसी जगह में हम लोग ट्रांसिस्टर आउटपुट मॉड्यूल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एड्रेसिंग स्कीम के बारे में देखेगा तो मान लो हम लोग एक एप्लीकेशन है उसमें एक मोटर है, और मोटर से हम लोग वो एंटर इक्विपमेंट को मिक्स करवा रहे हैं, एक मिक्सिंग यूनिट है, सो हमको दो ऑप्शन रख सकते हैं, एक तो मैनुअल बटन पुश बटन दबा के वो मैटर को चलने वो मोटर को चलने का। अगर नहीं आप क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ द इनपुट्स फ्रॉम प्रेशर स्विच एंड टेम्परेचर स्विच और दोनों चालू है तो उसी इनपुट्स को यूज़ करके आप आउटपुट मोटर को चला सकते हैं। सो इसमें कौन सा इक्विपमेंट इनपुट कैटेगरीज में आएगा, मैनुअल पुश बटन इनपुट आएगा, प्रेशर स्विच एज ए इनपुट आएगा, टेम्परेचर स्विच ऐसे इनपुट आएगा, हमारा मोटर है ना वो आउटपुट है, ठीक है। इसके लिए हम लोग सो ये सब नॉर्मल ऑपरेशन वाला है, इसके लिए NO कॉन्टैक्ट्स हम लोग यूज़ करवा रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट्स हम लोग यूज़ करवा रहे हैं, ये तो कॉइल है, इसके लिए हम लोग सिंबल यूज़ करवा रहे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनपुट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ PLCs में I1, I2, I3 ऐसा बोल के एड्रेसिंग है, वो एड्रेसिंग में बहुत सारा वेराइटीज है, I0.0, 0.1, 0.2 और रैक एंड कॉलम के हिसाब से वो अलग अलग हो सकते हैं। कुछ जगह में हम लोग इनपुट्स को X0, X1, X2 एंड आउटपुट्स को Y0, Y1, Y2 यूज़ करवा रहे हैं, और कुछ जगह में मेमोरीज को यूज़ करवा तो M में भी हम लोग यूज़ करवा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिक्स्ड टाइप मॉड्यूल के बारे में देखेगा तो देखने के लिए ऐसे ही दिखेगा, इसमें वो एक एंटायर PLC चलने के लिए हम लोग लाइन L1 एंड L2 पावर दिएगा फ्यूज प्रोटेक्शन का साथ, एंड प्रेशर स्विच, टेम्परेचर स्विच, पुश बटन और सब इनपुट में आएगा, हमारा मोटर आउटपुट में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट
अगर आप एक एलन ब्रॉडली पीएलसी मॉडल फिक्स टाइप पीएलसी में वायरिंग करवा रहे तो वैसे ही करने का, कम्युनिकेशन केबल को, प्रोग्राम का केबल को ये जगह में कनेक्ट करने का, उसको 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देना पड़ेगा, उसके इनपुट टर्मिनल्स ऊपर में आएगा, आउटपुट टर्मिनल्स नीचे आएगा, सो इनपुट डिवाइसेस को इनपुट टर्मिनल्स में कनेक्ट करने का, आउटपुट डिवाइसेस को आउटपुट टर्मिनल्स में आप कनेक्ट करने का। अगर मान लो उसमें आपका आउटपुट में कुछ कॉन्टैक्टर्स है, रिलेस है, तो भी उसको आप आउटपुट में, एक्सपेशली डिजिटल आउटपुट में आप कनेक्ट करके दिखाना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर मान लो एक मोटर को कंट्रोल करने के प्लान करवा रहे हैं, सो आप क्या कर सकते हैं, आपका डिजिटल आउटपुट से स्टार्ट कमांड एंड स्टॉप कमांड है ना, मोटर फीडर्स को दे सकते हैं, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, वो फीडर से वो लोकल पोर्शन, उसका रन फीडबैक है ना, आप मॉनिटर कर सकते हैं, एक्स्पेशली विद हेल्प ऑफ द VFT। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आपको प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, सो वाइब्रेशन कॉन्टैक्ट, ओवरलोड कॉन्टैक्ट, टेम्परेचर कॉन्टैक्ट, आपको इनपुट ऐसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट NC में आप दिखा सकता है। अगर कोई फॉल्ट है तो अपने आप ओपन हो जाएगा, इसके वजह से वो मोटर बंद हो जाएगा। एंड नॉर्मली वो स्टार्ट स्टॉप करने के लिए वो हमारा इनपुट स्विचेस है ना, वो आप डिजिटल इनपुट्स में कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो हम लोग नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, आउटपुट कॉइल, सो वो देखने के लिए कैसी दिखेगा लैडर लॉजिक में, उसका पिक्चर हम लोग इसमें दे चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, और लॉजिक एंड लॉजिक का लैडर डायग्राम, लैडर लॉजिक डायग्राम, ट्रूथ टेबल एंड फंक्शनल ब्लॉक, वो देखने के लिए कैसी दिखेगा बोल के हम लोग इसमें पिक्चर दे चुके हैं। ये हमारा इक्विपमेंट का साथ, हमारा कंपनीज का साथ से वो अलग हो जाएगा, एड्रेसिंग स्कीम भी अलग हो जाएगा, बट बेसिक्स वो सब में सेम है। नॉट लॉजिक एंड नैंड लॉजिक का लैडर डायग्राम, ट्रूथ टेबल, फंक्शनल ब्लॉक डायग्राम हम लोग दिखा चुका हूँ। नॉर फंक्शन एक्सक्लूसिव आर का लैडर डायग्राम, ट्रूथ टेबल, फंक्शनल ब्लॉक हम लोग इसमें दिखा चुका हूँ, ठीक है। अगर मान लो लोगो पीएलसी में ये सिंपल ऑन ऑफ ऑपरेशन आप परफॉर्म करवा रहे हैं, वो भी स्टार्ट स्टॉप ऑपरेशन परफॉर्म करवा, तो वो उसके लिए कैसे आप प्रोग्रामिंग करने का एंड कैसे वायरिंग करने का बोल के हम लोग इसमें दिखा चुका हूँ। अगर आप हमारा शिप का अंदर, ओके, प्रोपेलर्स को कंट्रोल करने का, के जनरेटर्स को मॉनिटर करने का, एंटी हीलिंग के लिए पीएलसी यूज़ करने का, क्रेन्स के लिए पीएलसी यूज़ करने का, तो वो देखने के लिए कैसे देखा, बहुत सारा वैराइटीज़ हम लोग उसके अंदर यूज़ करेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमारा मैरिटाइम ऑटोमेशन शिप सर्विस शिप्स में, ओके, मास बोल के हम लोग बताएगा, उसमें बहुत सारा ऑटोनॉमी, बहुत सारे लेवल्स है, इवन ऑपरेशन कंट्रोल भी बहुत सारे लेवल्स है, वो दोनों के ऐसे ट्रूथ टेबल हम लोग बनाएगा, तो ओके, A0, A1, A2, A3 बोल के चार लेवल ऑफ ऑटोनॉमी टेक्निकली उसके अंदर है। ऑपरेशन कंट्रोल के बारे में देखे तो B0, B1 आएगा, सो A0 तो मैन्युअल है, A1 डेलीकेटेड है, A2 सुपरवाइज्ड है, तीसरा है तो ऑटोनॉमस है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ऑपरेशन सुपरवाइजेशन लेवल के बारे में आप देखेंगे तो, ठीक है, उसमें 6 लेवल्स है, OP1, OP2, OP3, ये सब कंटिन्यूस सुपरवाइजेशन, पीरियडिक सुपरवाइजेशन एज नीडेड बेसिस में ऑन बोर्ड वेजल्स में आएगा, वो भी ऑपरेटर लोकेशन के अंदर आप देख सकते हैं। अगर नहीं, रिमोट लोकेशन से आप प्लान करवा रहे तो वो कंटिन्यूशन सुपरविजन R01, R02, R03 पीरियडिक सुपरविजन एंड एज नीडेड बेसिस में आएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप स्कोप ऑफ ऑटोमेशन, ओके, स्कोप ऑफ रिमोट कंट्रोल, फॉलबैक एग्जीक्यूटर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंप्यूटर सिस्टम का एग्जीक्यूटर ऑल और शेयर्ड एग्जीक्यूशन में आप प्लान कर रहे हो तो उसका टेबल कैसे आएगा बोल के हम लोग इसमें दिखा सको। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई भी ऑटोमेशन आप एस्टेब्लिश कर रहे शिप्स के अंदर, ओके, उसमें वो सब उसका कंट्रोल मोड्स ये नीचे वाला कैटेगरीज के अंदर ही आएगा, ऐसे ही हम लोग क्लासिफाइड, क्योंकि अगर प्रेजेंस और एब्सेंस में वो कैसे फंक्शन करने का, ह्यूमन का अप्रूवल का जरूरत है नहीं है, ओके, वो हमारा ह्यूमन से, ओके, उस सिस्टम को एग्जीक्यूशन कंट्रोल के लिए ट्रांसफर होने का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई भी इंटरवेंशन के लिए प्रेजेंस और एब्सेंस का फैसिलिटी उसके अंदर होने का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, कोई भी चीज़ वो बना रहा है, वो रिपोर्ट्स क्रिएट कर रहा है, वो ह्यूमन को दिखाना पड़ेगा। एंड इसका नेक्स्ट लेवल का बारे में आप देखेंगे तो, कोई भी कंटिन्यूशन सुपरवाइज की जरूरत है, उसके हिसाब से हमको ऑटोमेशन लेवल को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। नहीं, उसमें ऑपरेटर प्रेजेंट है और एब्सेंट है वही लोकेशन में, उसके हिसाब से हमको ऑटोमेशन लेवल एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हमारा शिप का अंदर ये इतना सिस्टम उसके अंदर देख सकते, पावर मैनेजमेंट के लिए, शिप मैनेजमेंट के लिए, अलार्म एंड मॉनिटरिंग के लिए, मिशन प्लांट कंडीशन मॉनिटरिंग के लिए, हीट विंडिशन एंड कंडीशनिंग सिस्टम, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। सो हम लोग ऐसा लोकेशन स्प्लिट करेंगे तो, ब्रिज में अलार्म मॉनिटरिंग, क्रूज कंट्रोल, मैन्यूवरिंग कंट्रोल, ऑटो पायलट ब्रिज में आएगा। मिशन कंट्रोल में आप देखेगा तो अलार्म मॉनिटरिंग, शिप ऑटोमेशन इन जनरल, डीजल इलेक्ट्रिकल ड्राइव कंट्रोल, ठीक है, एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम आएगा। कैबिन में आएगा तो अलार्म सिस्टम, इंफॉर्मेशन सिस्टम आएगा। डेक के अंदर क्रेन्स, विंचेस, केबल ड्रम्स, ट्रेंचेस, ये सब कुछ डेक के अंदर आएगा, ओके। मैरिन और कार्गो रूम्स के अंदर देखेगा तो एंकर एंड विच कंट्रोल, ठीक है, मोटर कंट्रोल, फ्यूल कंडीशनिंग, प्रोसेस कंट्रोल, वाटर ट्रीटमेंट,
बैलेंस्ड कॉम्पनसेशन कंट्रोल, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप इंटीग्रेटेड कंट्रोल सिस्टम टेक्निकल वेसल्स के अंदर देखेगा तो बैलेंस्ड ड्रेनेज सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, वेस्ट वाटर सिस्टम, यूटिलिटी एंड फ्रेश वाटर सिस्टम, हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम, ओके, पावर मैनेजमेंट, डीजल जनरेटर मॉनिटरिंग सिस्टम, मेन इंजन स्पॉटिंग, ये सब कुछ इसके अंदर आएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हम लोग नेटवर्क के बारे में हम देखेंगे तो मान लो दो वर्क स्टेशन, दो CPUs एज अ मास्टर एंड स्लेव आप दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो एक ही नेटवर्क केबल फेल हो रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन की, क्योंकि ये बहुत सब चीज़ क्रिटिकल चीज़ है, इसके लिए अगर एक ही केबल डैमेज हो गया तो भी दूसरा केबल से वो उसका काम चलना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं उसमें रिडंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी 1 माइक्रोसेकेंड्स में रिडंडेंसी साइकिल एस्टैब्लिश होने का। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर CPU के बारे में हम देखें तो भी दो मास्टर CPUs हम लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं, एक CPU फेल है तो भी दूसरा से कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाएगा। नेटवर्क का भी आप दो नेटवर्क बनाने का, वो कोई भी नेटवर्क हो सकता है, बट वो दो नेटवर्क यूज़ करके एंटायर प्रोसेस को आप संभालने का। अगर मान लो हमारा मेन CPU ये फेल हो रहा था, CPU बी लीड करके एंटायर काम हमारा स्टेव स्टेशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मान लो मास्टर्स दोनों अच्छा है, बीच में एक स्लेव स्टेशन फेल हो गई तो भी दूसरा स्लेव स्टेशन यूज़ करके एंटायर प्रोसेस को लेके जाने का। सो मतलब ऐसा सेफ्टी नेटवर्क सिस्टम बना के रखना पड़ेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, CC कंसोल, ओके, ऑनशोर इक्विपमेंट्स, प्रेशर सेंसर्स, शिप मैनेजमेंट सिस्टम्स, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, अनलिमिटेड पावर सप्लाई कैबिनेट्स, वो सब कुछ हम लोग मॉनिटर करेगा, ठीक है। सो ये एक नॉर्मल हम लोग डिफ्लेक्शन मेजरिंग सिस्टम का स्कीमेटिक डायग्राम है, के कार्गो सिस्टम का स्कीमेटिक डायग्राम है, ठीक है। एंड अगर आप गैस टैंक है ना, उसके अंदर लेवल मेजर करने के लिए लेवल ट्रांसमीटर्स है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए टेम्परेचर सेंसर्स है, सो अलार्म देने के लिए अलार्म इक्विपमेंट्स है, उसके लिए भी लिमिट्स भी है, अलार्म सिस्टम के लिए भी एक हम लोग बना के रखा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, फ्यूल कंसप्शन को मॉनिटर करने के लिए भी फ्यूल टैंक का अंदर फ्लो मीटर्स है, ठीक है, हीटिंग बॉयलर्स का अंदर फ्लो मीटर्स है, एंड हमारा नॉर्मल मैरिन इंजिनस के अंदर फ्लो मीटर्स भी है, डीजल जनरेटर्स के अंदर भी फ्लो मीटर्स है, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ब्रिज अलार्म सिस्टम में क्या क्या चीज़ आएगा, उसमें क्या, उसका एक पिक्चर हम लोग इसमें दिखा चुका हूँ। इससे बहुत ज़्यादा सिस्टम भी उधर अवेलेबल है। एक अलार्म कंट्रोल पैनल दिखने के लिए कैसे दिखाएगी एक पिक्चर है, बजर देखने के लिए कैसे दिखाएगा, अग्नोलमेंट पुश बटन देखने के लिए कैसे दिखाएगा, ओके, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अलार्म बटन कैसे दिखाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आप कंट्रोल पैनल है तो वो देखने के लिए कैसे दिखेगा, उसमें आप देखेगा तो सब में चाबी है, वो की यूज़ करके आप हर एक चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। एक अल्ट्रा लेवल अलार्म देखने के लिए कैसे दिखाएगा, अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर देखने के लिए कैसे दिखाएगा, प्रेशर ट्रांसमीटर्स देखने के लिए कैसे दिखाएगा, टेम्परेचर ट्रांसमीटर्स देखने के लिए कैसे दिखाएगा, फ्लो मीटर्स देखने के लिए कैसे दिखाएगा, बोल के एक पिक्चर हम लोग दे चुका हूँ। एक हमारा एंटायर कंसोल है ना, ओके, रिमोट लोकेशंस में हम लोग डिस्क में कंट्रोल है, तो वो देखने के लिए कैसे दिखाएगा बोल के हम लोग पिक्चर इसमें दिखा चुका हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, हमारा इमरजेंसी सिस्टम में 5 अलार्म मोड्स है, मैनुअल मोड है, शिप अलर्ट मोड है, मैन ओवरबोर्ड है, रेडिएशन हजार्ड है, गैस अलार्म। धन्यवाद, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, बेल आइकन दबा दो, वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करवा दो, आप इससे ज़्यादा सीखने का, हमारे साथ प्रोजेक्ट करने का, आप हमको कॉन्टैक्ट, हमारा कॉन्टैक्ट में दे चुका हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, PLC पावर बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, उसी जगह में ओके आपको रिडंडेंसी नेटवर्क एस्टैब्लिश कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आपको PLC प्रोग्रामिंग सीखने का, ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सीमेंस एलेनबर्ड डेल्टा PLC कैसे प्रोग्राम करने का बोल के आप सीखने के थे, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट लिस्ट में दे चुका हूँ। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, GCC कंडीशन में आप काम करने के लिए पहले स्पेशली मेट्रो स्टेशन, एयरपोर्ट्स, किधर किधर बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम, बिल्डिंग ऑटोमेशन कंट्रोल सिस्टम एस्टैब्लिश है, उसी जगह में आप काम करने के लिए प्लान कर रहे थे, आपको मौका मिल रहा था, आप क्या कर सकते हैं, हमसे सीख सकते हैं, आप बहुत यूजफुल हो जाएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, EB पावर बिल्कुल अवेलेबल, उसी जगह में आप सोलर DC लाइट सिस्टम एस्टैब्लिश करते हैं, आपके पास एग्रीकल्चर फार्म्स हो सकते हैं, उसी जगह में आपको क्रॉप्स को आप वाइल्ड एनिमल से रक्षा करने के लिए नॉर्मल फेंसिंग का जगह में आप सोलर से इलेक्ट्रिकल फेंसिंग बना सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सोलर ऑन ग्रिड ऑफ ग्रिड हाइब्रिड एप्लीकेशन, सोलर स्ट्रीट लाइट, सोलर पंप्स, इसका डिजाइन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग, कमीशन, कंसल्टेंसी, ट्रेनिंग सपोर्ट हम लोग दे सकते हैं। अगर आपको एक्सेस कंट्रोल का बेसिक्स का सीखने का, इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजीज का बेसिक्स के बारे में सीखने का, पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स के बारे में सीखने के, तो भी आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसमें दे चुका हूँ। धन्यवाद।